सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव बिहार की राजनीति के जाने माने चेहरों में से एक हैं। पप्पू यादव 1990 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर बिहार विधानसभा के चुनाव में जीत दर्ज कर पहली बार विधायक बने और 1991, 1996, 1999 और 2004 में लोकसभा सीटों से भी चुने जा चुके हैं। दो दशकों के अपने राजनीतिक सफर में आप कई दलों से भी जुड़ चुके हैं, कई बार विधायक और सांसद रह चुके पप्पू यादव की जिंदगी में ऐसा भी वक्त आया जब कोर्ट ने आपके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। हालांकि एक बार फिर 2014 के लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव को हराकर लोकसभा पहुंचे और 2015 में बेस्ट परफॉर्मिंग एमपी का भी खिताब मिला। एक समय ऐसा भी था जब लोग पप्पू यादव को बाहुबली नेता के रूप में जानते थे। उसके बाद राजनीतिक परिपाटी की लीक से हटकर आपने कथित फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ अभियान चलाकर पप्पू यादव गरीब मरीजों के मसीहा बन बैठे। फिलहाल वर्तमान में सांसद होने के साथ जन अधिकार मोर्चा के मुखिया भी हैं। बड़ी ही कम उम्र से आपका रुझान राजनीति की तरफ रहा, तो इसका क्या कारण था? क्या आपने समाज में उत्पीड़ता को देखा, समाज में जो भी उस टाइम की गंभीर समस्याएं थी उसको देख के आपने राजनीति में अपना कदम रखा, या फिर कोई और कारण था? देखिए, हमारे फैमिली का जो बैकग्राउंड है ना, वो स्पिरिचुअल रहा, वो सामाजिक रहा। हमारे दादा कोर्ट के जुड़ी हुआ करते थे, भागलपुर कोर्ट था हमारी, हम और जूरी का महत्व होता था उस वक्त। फिर जब आजादी हमें मिली तो मधेपुरा के प्रथम खुर्दा गांव के वो प्रधान बने, मुखिया बने 32 ईयर, 32 साल तक प्रथम से ब्लॉक प्रमुख, एक राजनीतिक आध्यात्मिक और बड़े किसान परिवारों से हम आते हैं। फादर हाई स्कूल के मैथ के टीचर थे, फिर प्रिंसिपल थे, फिर टाटा के जीएम हुए, फिर आनंद मार्ग ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने मूर्ति जी के को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते रहे, और फिर प्रौत के वो वाइस प्रेसिडेंट बने, मधेपुरा से एमपी का चुनाव लड़े, एमएलए का लड़े। तो बैकग्राउंड कंप्लीट सामाजिक था, और जो हालात एक्सप्लाइटेशन का, शोषण का, आर्थिक, जातीय, सामाजिक विषमता थी, वो इतना प्रकाशता पर्दा कि हम टॉपर स्टूडेंट रहे। हम बांका के आनंदपुर स्कूल के हाई स्कूल के प्रोडक्ट हैं, आनंदपल्ली आनंद मार्ग हाई स्कूल के प्रोडक्ट हैं, जिले में जिला स्कूल के हम बेस्ट स्टूडेंट थे, एक जिला स्कूल हुआ करता था, तो जीनियस स्टूडेंट थे, अमेरिका पढ़ने जाना था, लेकिन सामाजिक हालात ने, सामाजिक परिवेश ने, सामाजिक परिस्थिति ने बहुत हद तक प्रेरित किया। फिर बाद में नक्षत्र मालाकार का जीवन चर्या, फिर कर्पूरी ठाकुर जी, फिर कई चीजें। तो मुझे लगता है कि सामाजिक जीवन की ओर हमारे परिवार का, मेरा लगातार बदलाव के दृष्टिकोण बढ़ते रहना, यह मुझे लगता है कि राजनीति की ओर ज्यादा ले गया। राजनीति को राजनीतिज्ञों ने गंदा कर दिया है, उसकी दृष्टि बदल दी है, लेकिन राजनीति का मतलब ही जनता के लिए नीति, लोकतंत्र, लोक और तंत्र, व्यवस्था जो है राजनीतिज्ञों के द्वारा जो बनाया हुआ वो तंत्र है लोक के लिए, जनतंत्र, जनता के लिए तंत्र, लेकिन जनता का इस्तेमाल हम करने लगे, तो इसलिए राजनीति ने लगातार, और जब भी
कोई व्यवस्था के खिलाफ कोई व्यक्ति लड़ता है, चाहे भगत सिंह लड़े तो उनको उस वक्त अंग्रेजों ने आतंकवादी घोषित कर दिया, सुभाष चंद्र बोस को, चंद्रशेखर आजाद को, बटुकेश्वर दत्त को, जब भी किसी सिस्टम के खिलाफ लड़ाई होती है, व्यवस्था के खिलाफ, वो महाभारत के काल में हो, चाहे आदि काल में हो, चाहे वर्तमान में हो, जयप्रकाश लोहिया जी को उग्रवादी घोषित कर दिया गया, तो जब भी आप किसी बड़े शोषणकर्ता के खिलाफ बड़े सिस्टम को चैलेंज कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपको वो चैलेंज करेगा समाप्त करने के, हर तरह के माध्यम से, हर तरह की परिस्थिति में आपको उलझाना चाहेगा। तो ये हालात है उसके बीच। तो सर अपने उतार चढ़ाव के बारे में बताइए। अरे उतार चढ़ाव की कोई बात नहीं है भाई, वो बदलाव के दृष्टिकोण रही है। राजनीति करने के लिए मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, यदि राजनीति करने का दृष्टिकोण होता तो फिर हम भी उसको चेक एंड बैलेंस करते, हम भी गिव एंड टेक करते, हम भी जो राजनीतिक लोग करते हैं, जातीय उन्माद, धन बल, 5 बार सांसद हैं, 2 बार मैडम भी हैं, 1 बार एमएलए भी हम रहे, तो लगातार आम आदमी ने, कॉमन आदमी ने, आप शुरू से ही आपको आम आदमी और गरीबों का हाथ पकड़ना चाहिए, उसकी जिंदगी कैसे बदले, पार्ट ऑफ लाइफ कैसे हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीति सुचित्रता के लिए है, राजनीति कंप्लीट जिंदगी की जरूरत के साथ खड़े होने के लिए है, राजनीति मानवता के लिए है, मुस्कुराने के लिए है, राजनीति लूटने का तंत्र नहीं है, लेने का तंत्र, जाति को इस्तेमाल करके लिए सत्ता पर बैठने, वोट सत्ता, ये जो राजनीतिक लोग हैं, जो व्यवस्था है, ये नासूर बन चुके हैं इस समाज के लिए, इंसानियत के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए, ये ग्लोबल वार्मिंग, मैन मेड पॉलिटिकल सिस्टम, ये थर्ड वर्ल्ड वार, मैन मेड पॉलिटिकल सिस्टम, हर चीज समझ लीजिए वोट और सत्ता के केंद्र बिंदु में है, और मैं ऐसा नहीं करना चाहता। गरीबी पर बहस नहीं है, फंडामेंटल राइट पर बहस नहीं, रिक्वायरमेंट पर बहस नहीं, हेल्थ पर नहीं, एजुकेशन पर नहीं, जस्टिस पर नहीं, दिक्कत है, इसलिए ठीक है। तो सर आपने जल्दी कर, तो सर आपने अपने जो भी आज तक फैसले लिए हैं बिना किसी दबाव के लिए हैं, हमेशा आपका फैसला आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने कभी आपके ऊपर कभी किसी ने कोई बंधन नहीं डाला और आपने किसी के साथ ऐसे काम भी नहीं किया, तो सर ये जो आपके अंदर आत्मविश्वास है इसके बारे में सर हम चाहेंगे इसके संदर्भ में आप कुछ ऐसी बातें बताएं जो आम जनता तक ऐसे पहुंचे कि उनके अंदर एक नई भावना जागृत हो। नहीं नहीं देखिए एक बात मैं बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि किसी के दबाव में हम ईमानदार कैसे रहें, यह दबाव रहा हम पर, संवेदनशील इंसान कैसे रहें, इसका दबाव रहा हम पर, ऊंचे मूल्यों के साथ और आदर्श के साथ कैसे जिए, यह दबाव रहा हम पर, ऊंचे नैतिकता के साथ कैसे हम बढ़े, यह दबाव रहा हम पर, सबको ले चलने की वसुधैव कुटुंबकम, सार्वभौमिकता की जो हमारे खून में, हमारे गुरु ने, हमारे परिवार ने, समाज ने जो सिखाया, इस भाव को लेकर, वो जो भारत का भाव है, संगच्छ ध्वं संबद ध्वं समवो मनांसि जानताम देवा भाग्यम यथा पूर्वे, ये जो भाव है, जो ऋषि मुनियों का भाव था, जो मेरे आदि काल का भाव था, जो शिव का भाव था, जो गुरु का भाव था, जो कृष्ण का भाव था, जो राम रहीम का भाव था, जो मोहम्मद साहब का भाव था, जो आनंद मूर्ति, जो नानक का भाव था, वो भाव को मैंने अपने जीवन का आत्मसात किया, बस देना है, देने की प्रवृत्ति से कोई लौट के ना जाए, आंसू में पोंछ सकूं, एक व्यक्ति सेल्फ कुछ नहीं कर सकता है, टाइम ने वक्त नहीं दिया, जितना दिया चाहे वो सेवा आश्रम के रूप में हो, चाहे जिस भी रूप में हो, एक जगह नहीं, 84 से लगातार हजारों हजार आदमी, 84 से लेके आज तक हजारों आदमी किडनी कैंसर टीबी
सबसे निरी जो लोग हैं वो मुस्कुराए। अर्थ के अभाव में उसकी जिंदगी समाप्त ना हो, व्यवस्था के अभाव में एक अंतिम व्यक्ति यदि किसी ताकतवर धन पशु ग्लैमर वाले व्यक्तियों से प्रभावित है और परेशान है तो पूरी दुनिया भी उसके साथ खड़ी होगी। तो मैं उस अंतिम व्यक्ति के रेस्पेक्ट, उसकी जिंदगी और उसके मुस्कुराने के साथ खड़ा रहूंगा, चाहे उसका नतीजा जितना बुरा हो। मैं अपने विचारों से नहीं भटकता, मैं आम आदमी के जिंदगी की जरूरत के साथ खड़े होने के लिए किसी तरह का दबाव अपने पर नहीं ले सकता। मेरे लिए वोट सत्ता ग्लैमर पावर मनी कास्ट बेसिया से बदतर है। बेसिया ज्यादा अच्छा है कि वह कम से कम अपने प्रोफेशन के साथ ईमानदारी करती है, उसको हम गलत नहीं कह सकते। लेकिन जो बेसिया को घाय दृष्टि से देखता है, जो आम आदमी, जो ये ग्लैमर पावर मनी जिसका धर्म हो जाए आत्मसात, मैं समझता हूं मनी लेने वाला व्यक्ति दुनिया का सबसे गंदा और बेईमान व्यक्ति है। और मैं धर्म मंदिर भगवान इन सब चीजों से बहुत दूर हूं। मेरे लिए इंसानियत, भगवान का, ईश्वर का, अल्लाह का पूरा स्वरूप इंसानियत, मानवता, गरीबी की जिंदगी में कॉमन मैन के बदल का बदलाव कैसे हो। इसलिए कुछ चीजों को आप लीके लीक सब चले, बेलीक चले सपूत, आप अलग जीना पड़ेगा। तो सर, बिहार में आज शहाबुद्दीन को लेके काफी चर्चाएं चल रही है, तो इसके बारे में आपकी क्या टिप्पणी है? नहीं, सब पर देखिए, ये जब मन को कुछ होता है चलता रहता है। कब अब ये देश राजनीतिज्ञों ने माफियाओं को, दलालों को, पूंजीपतियों को, विजय माल्या क्या है, पूरे देश का बाल ठाकरे क्या थे, राज ठाकरे क्या है, उद्धव ठाकरे क्या है, सब तो आरती उतार ही रहे हैं सबका। सभी जगह की स्थिति तो यही है। शहाबुद्दीन जैसा की करेंगे वैसा भोगेंगे। हर आदमी को संविधान और कानून और समाज के तहत चलना पड़ता है। बिहार में तो हर दल में, हमाम में सब नंगे, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। किसी एक व्यक्ति को, किसी एक धर्म जाति को टारगेट नहीं किया जा सकता। लालू यादव से थोड़ी, अनुग्रह नारायण बाबू, सत्येंद्र सिंह, जात का जहर तो धर्म और हफीम के तरह था, तब न सावरकर और पेरियार और महात्मा फुले जैसे व्यक्ति ने विद्रोह किया था, तब न बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि नहीं, धर्म मंदिर गरीबी को मिटाना है तो मंदिर धर्म और भगवान जैसी चीजों से, हफीम जो परोसा है उसको, उससे अलग होना पड़ेगा। तो ये सब कुछ पॉलिटिकल सेटअप हो गया, सिस्टम हो गया सब चीज। अब तो हम लोगों ने अपराधियों को, दलालों को, माफियाओं को हम आका मानते हैं। जापान में चले जाइए, दक्षिण कोरिया में चले जाइए, हम गरीबों को, मजदूरों को हम देवता मानते हैं। यहां पर हम दलालों को देवता मानते हैं, रियल एस्टेट वाले को देवता मानते हैं। तब ना हम अमरपाली ग्रुप को टिकट देते हैं एमपी का, तब ना बड़े बड़े पूंजीपतियों को, किंग मैन को टिकट देते हैं। धन पशुओं को तो सब टिकट दे रहा है, राज्यसभा से, एमपी से, किसको दे रहा है? कोई साहित्यकार और कोई संघर्ष पुरुष को दे रहा है क्या? सब लोग धन पशु को दे रहा है। जहां से बेनिफिट होगा, कोई पत्रकार को दे रहा है तो वो पत्रकार किस पार्टी को बेनिफिट पहुंचाएगा उसी को दे। नीतीश जी को देखिए ना, अजय सिंह की पत्नी को टिकट दिया, अजय सिंह क्रिमिनल। अशोक महतो को बीबी को टिकट दिया, अशोक महतो क्रिमिनल। अनंत सिंह, हुलास पाड़े, सुनील पाड़े, रामा सिंह, सूरज भान, धूमल सिंह, बिंदी यादव, 40,000 गोरी लेके पकड़ा। रणबीर यादव की बीबी को दिया, रणबीर यादव। भूटन सिंह की बीबी को दिया, लेसी सिंह। बीमा भारती की बीबी को दिया, अवधेश मंडल की बीबी को दिया, बीमा भारती, गोपाल मंडल। 7 साल सुशील मोदी जी पर ब्रह्मेश्वर मुखिया का आरोप लगा, जो दलितों को नरसंहार में कितने केस फंसे, तो ब्रह्मेश्वर मुखिया इन लोगों के लिए अच्छे थे।
साहबुद्दीन जी की पत्नी हिना को साथ लाना चाहिए नीतीश कुमार जी, लेकिन जब गाली दिया तो साहबुद्दीन खराब हो गए। तो चल रहा है साहबुद्दीन खराब, इसमें कौन केस है, कोर्ट न्यायालय चल रहा है, जो आरोप है संगीन है, कहता है लोग खराब है, लेकिन और लोग क्या दूध के धुले हैं? ये दुनिया में और लोग दूध के धुले हैं? तो कोई विकास नाम की चीज, हेल्थ पर कोई बहस नहीं, गरीबी पर कोई बहस नहीं, कमजोरों पर कोई बहस नहीं, एजुकेशन पर कोई बहस नहीं, बस आजकल शराब अपराध। तो निकालो ना, सब तय करो ना कि किसी धन पशुओं को कोई राज्यसभा का टिकट नहीं देगा, कोई बड़ा बड़ा अपराधी को नहीं टिकट देगा, निकालो। कोई पार्टी हो उसमें देख लीजिए ना, सब में जखीरा है कि नहीं।